आदरणीय उत्तरी गणपत जांगड़े जी, आदरणीय प्रकाश नायक जी, चक्रधर सिंह सिद्धार्थ जी, पद्मा मनहर जी, निराकार पटेल जी, जानकी काटजू जी, राकेश वर्मा जी, गणेश ध्रुव जी, शैलेश जी, पुरुषोत्तम साहू जी, सुरेंद्र शर्मा जी, शरद यादव जी, सतीश अग्रवाल जी, मंजू मालाकार जी, सोनी अजय बंजारे जी, तारा अरुण शर्मा जी, भूमिका कथाकार जी, सोनल भट्ट जी, नर्मदा कौशिक जी, अरुण जी, नितिन ठाकुर जी, मंच में उपस्थित सब अमर जनप्रतिनिधि मन, आज विशेष रूप से अमर मुख्य सचिव अफताब जैन जी आए, बहुत जन मन नहीं चिन्ह तो ही मैं अफताब जैन जी से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा खड़ा हो जाए। ये हमार मुख्य सचिव है, हम जिन फैसला करते हैं तिन आदेश करे काम एक हस्ताक्षर से होते। सुब्रत साहू जी, आईजी साहब, कमिश्नर साहब, आवाज तो सारंगढ़ में कलेक्टर मन के भरमार हो गए। सारंगढ़ के नवा कलेक्टर भी आए है, एसपी भी है, तो रायगढ़ के कलेक्टर और एसपी तक आए, बलौदा बाजार के कलेक्टर एसपी तक आए, और दोनों संभाग के आईजी और कमिश्नर सब उपस्थित है। सब अधिकारी मल्ल सादर अभिवादन करते हुए आप सब नवा जिला के, अब छत्तीसगढ़ में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बने के बाद छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में, महानदी के कोरा में ये तीसवा जिला बने हैं, आप सब बहुत बहुत बधाई। ये पौने चार साल में हमार प्रदेश में छठक नवा जिला बनाएं, 85 तहसील बनाएं, एकर देती कि आम जनता एकर सुविधा मिल सके। पहली गरेला पेंडा मरवाही जिला से एकर शुरुआत हो रही से वहां काम काज शुरू हो गए, अब 5 जिला बांचे तीनों में काम अब शुरू हो गए। कल हम मानपुर मोहला और चौकी जिला के शुरुआत करें, आज आपके जिला में शुरुआत हो। ये जिला इकाई और तहसील इकाई बनाए के पीछे उद्देश्य ही है कि आम जनता लेकर सुविधा मिल सके, प्रशासन और जनता के बीच में दूरी कम हो, कोई भी व्यक्ति अपन जिला मुख्यालय में जाए में, तहसील मुख्यालय में जाए में ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए, आसानी से दिन भर में काम करके अपन घर लौट जाए। पहली जिला मन बहुत दूर दूर रही से, गरीब आदमी किसान है वो जा नहीं पा रही से, आज छोटे जिला होए से आसानी से पहुंचे जाए और ये प्रशासन के लाभ आम जनता ने मिली। सारंगढ़ जिला बनाए में 1950 से मध्य प्रदेश के समय पहली जब सीपी बरार रही से, तब ये जिला के मांग हो रही से, और तब से लेके आज तक लगभग 72 साल बाद सारंगढ़ जिला बन पैस, वो महापुरुष मनला जे मन आंदोलन करी ये सारंगढ़ जिला बनाए भर जिन मांग कर रही से, जिन आंदोलन करत रही से, लगातार प्रयास करे है, कभू नागपुर, कभू भोपाल, कभू रायपुर के चक्कर लगाए, वो सब सियान मन कतको जन मन आज स्वर्ग सिधार गए। कुछ साथी मन अभी भी बचे है, अभी उमेश भाई बता रही से कि आदरणीय नंद कुमार पटेल जी, आदरणीय सकराजीत नायक जी भी सारंगढ़ जिला बनाए के समर्थन कर रही से, वो सब पुरखा मल्ला हम स्मरण करत हन, याद करत हन कि आज ओकर मन के सपना साकार हुए। बहुत जन साथी मंच में भी बैठे, बहुत जन साथी सामने बैठे जन सारंगढ़ जिला बनाए पर मांग करत रही से, लेकिन सारंगढ़ तब जिला बने जब बिलईगढ़ वाला मन सहमति दे, तो भाई चंद्रदेव राय और बिलईगढ़ के सबो संगवारी मल्ला मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप मन के सहयोग और समर्थन से ये सारंगढ़ जिला के अस्तित्व के रूप में आए हैं, तो आप सब मैं बधाई देता हूं। ये क्षेत्र के बहुत ही गौरवशाली परंपरा रियासत के नाम से जाने जादरी से, लेकिन धार्मिक रियासत के रूप में हम एक पहचान है।
ये सारंगढ़ जहां टिमरलगा में नाथल दाई बिराजे है, मध्य हिस्सा में समलेश्वरी दाई बिराजे है और अंत गांव कोसिर में कौशलेश्वरी दाई बिराजे है। और साथ ही हमर गुरु घासीदास जी के तपोभूमि सारंगढ़ और इन्हें ओकर मुख से पहली बार सतनाम सब निकली से और तब से सतनाम पंथ चले है। कैसन महापुरुष मल्ल समलेश्वरी दाई ल नथलाई दाई ल और कौशलेश्वरी दाई के साथ साथ गुरु घासीदास जी के स्मरण हम करा था और प्रणाम करा था। सारंगढ़ क्षेत्र भौगोलिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण ये जिला, बहुत प्राचीन एकर पहचान। कभू ये तहसील, कभू नगर पालिका, कभू विधानसभा क्षेत्र, तो कभू सारंगढ़ लोकसभा क्षेत्र भी रीस। ऐसे पहचान वाला ये क्षेत्र आज जिला के अस्तित्व के रूप में आए हैं, एक नया पहचान मिलिस। आप सब सारंगढ़ वाले साथी मल्ल बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। यहाँ पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी जिन केरी से ये अंचल मनुष्य जाति के जन्म स्थल है, ये मानव जाति का आदि सभ्यता यह पले बढ़े है, ऐसा ये क्षेत्र और एक क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध अभ्यारण्य गोमर्डा क्षेत्र भी है। तो ये क्षेत्र ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण, तो आप सब लेकर भर बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। जैसे हमारे बस्तर के दशहरा बहुत प्रसिद्ध, वो इसने सारंगढ़ के भी दशहरा बहुत प्रसिद्ध। सारंगढ़ में हवाई पट्टी भी रिस, आज भी वो हवाई पट्टी है, तो रियासत काल में भी अगर उन्नयन हो रही से तो बहुत ज्यादा बताए के जरूरत नहीं है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ दोनों मिला के जिला बने हैं, जिनमें बहुत अकन कार्यालय मल्ल अलग अलग कार्यालय प्रशासनिक दृष्टिकोण से जहां उचित समझी निश्चित रूप से सब मुख्यालय मन खुली। एकर भर में आप सब विश्वास दिलात हूं, ये पौने चार साल में हमर सरकार किसान के, मजदूर के, आदिवासी के, अनुसूचित जाति के, महिला मन के, लयिका मन के उत्थान और विकास भर निरंतर प्रयास करत रहे हैं। अभी हमारे सब साथी मन जैसे बतात रही से कि बहुत अकन अड़चन परेशानी भारत सरकार के द्वारा भी खड़े किए गए, प्राकृतिक रूप से भी कोरोना महामारी जैसे महामारी वैश्विक महामारी है, ओकर बावजूद भी जैन किसान मल्ल अन्नदाता मल्ल हम जिन विश्वास दिला रहे हैं कि आपके धान 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदबो, ऋण माफी करबो, ऋण माफी हम पहली कर दें, 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी के काम लग करें। दूसरा साल कोरोना भी आ गए, भारत सरकार अड़ंगा भी लगे, वो परिस्थिति में राजीव गांधी किसान न्याय योजना हम लागू करें, ये साल 2 किस्त मिल गए, पिछले साल के 4 किस्त मिल गए, ये साल तो 2540 रुपया मिला थे, अभी जन धान बोए हो तेना 2640 रुपया पड़ी, और चुनाव साल में 150 रुपया का समर्थन मूल्य बढ़े तो समझ लो 2800 तरफ जाए, तो जिन हम 2500 रुपये करें ओकरो ज्यादा जाते किसान मन के संख्या जहां 15 लाख रही से भारतीय जनता पार्टी शासन काल में, आज 26 लाख किसान राजीव गांधी किसान योजना के लाभ उठाते, 11 लाख किसान मन के संख्या बढ़े, कृषि रकबा बढ़े, किसान मन के आय बढ़े, संपन्नता आए, आज हमारे अन्नदाता छत्तीसगढ़ के खुशहाल है, खूब आशीर्वाद हमारे अन्नदाता मन दे थे, और वही कारण देखो छत्तीसगढ़ में आज फसल बहुत लालहा थे, आप सबके आशीर्वाद, आप सबके पूर्ण प्रताप है। वही मजदूर मन पर राजीव गांधी कृषि भूमि श्रमिक न्याय योजना हम लागू करें, 7000 रुपया हमन ऊ मल्ल दे, गौ माता की सेवा हमन करत हम, गौठान निर्माण करें, गोबर खरीदी काम करें, 79 लाख क्विंटल गोबर हमन 2 साल में खरीदें, 150 करोड़ से अधिक की राशि वो जन गौपालक के गोबर विक्रेता है तेकर मन के खाता में गए, वर्मी कंपोस्ट बनाते ओकरों से रोजगार प्राप्त होते, तो हमारे प्रयास ये है जिन गोबर विक्रय करते गौ पालन करते
तीनों मल्ला लाभ मिले। अभी तो 2 रुपए किलो गोबर खरीदे फैसला करें, अभी हरेली भर 4 रुपया लीटर में गौमूत्र खरीदे भी फैसला हम करें। तो गाय के दूध, गाय के गोबर, गाय के गौमूत्र सबों को उपयोग अब हमार किसान भाई मन करी अपन खेत में, जैविक खेती की तरफ हमन बढ़वो, ज्यादा किसान मन कर से लाभ ले पाई। ऐसे में ये मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, आज जहां तेंदुपत्ता के तोड़ने वाला है तीनों मल्ल 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा के दर से खरीदी हो थे, 65 प्रकार के लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था हो थे, तो लगातार हमार मन के प्रयास, चाहे किसान हो चाहे लघु उपज संग्राहक हो, सबला लाभ पहुंचाए के काम हमार सरकार के द्वारा हो थे। वहीं आज रोजगार के अवसर हमार छत्तीसगढ़ में तो जिन गौठान है तेने मन में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क ओवर 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम करे हैं, ताकि गौठान में गांव गांव में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हो, ताकि पढ़े लिखे लड़का मन है हमार बहनी मन है वो मन छोटे छोटे इंडस्ट्री डाल के रोजगार प्राप्त कर सके, अपनो रोजगार प्राप्त कर सके और 4 जनला और रोजगार दिला सके। यही पाए के आज छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी ओकरे सेती है, लगातार हमन रोजगार दे के प्रयास करा था। शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार हमार प्रयास, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल 279 हमन खोले, अब अगले वित्तीय वर्ष से 422 अंग्रेजी स्कूल हमार स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुली, हिंदी के भी माध्यम से स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल भी की शुरुआत हो थे। तो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हो थे, शिक्षा मंत्री बैठे है, उस शिक्षा मंत्री बैठे है, दोनों मंत्री मन बैठे है, दोनों जन शिक्षा से जुड़े हुए है और दोनों जन ये प्रभारी है, कांवर के एक जन बलौदा बाजार के प्रभारी है, एक जन रायगढ़ के प्रभारी है, तो दोनों के प्रभार जिला में आ थे, अवकर थे ये मन दोनों जन आ है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अकन काम हमार सरकार के द्वारा हो, आज पुराना जन स्कूल मन है जिन जिस ऋण हो गए ओकर मन के उन्नयन पर भी 500 करोड़ रुपया की व्यवस्था करे हैं, ताकि हमर जो ननिहाल है लड़का मन है तेकर मन के पढ़ाई में कोनो प्रकार के परेशानी न हो। वही प्रकार के उच्च शिक्षा में भी लगातार हमर मन के कोशिश, कॉलेज बहुत अकन खोलें, एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज लगातार हमन खोला थे, अब तो अंग्रेजी कॉलेज भी हमन खोले फैसला करे हैं, जो हमारे स्कूल में लड़का मन पढ़ के निकाली 11वीं 12वीं ओकरो मन पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो, तेकर मन के तेकर पर हमन ये प्रयास। साथ ही मेडिकल कॉलेज भी लगातार हमन खोले, 4 साल में 4 मेडिकल कॉलेज अभी तक के रायगढ़ में हो गए, रायगढ़ में तो पहली री से कोरबा है, कांकेर है, महासमुंद है, भिलाई है, 4 मेडिकल कॉलेज हमन खोले। तो आज हमार प्रयास सबो तरफ के शिक्षा में लगातार आगे बढ़म, जल जंगल जमीन के बारे में हमार लगातार आदिवासी भाई मन संघर्ष करत रहे थे, ओकरो मन के लगातार हमार प्रयास, वन अधिकार पट्टा, सामुदायिक पट्टा, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र सब दे के प्रयास हमार मन के होते, आदिवासी मन के जीवन स्तर ऊपर उठाए के लगातार हमार मन के प्रयास। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां जिला अस्पताल मल्ल सुदृढ़ीकरण करे की कोशिश, पीएससी सीएससी मल्ल मजबूत बनाए की कोशिश और ओकरे साथ साथ हमार हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुफ्त में इलाज मुफ्त में दवाई, ये देखे काम, शहर में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत और शहर में श्री धनवंतरी मेडिकल स्टोर के भी शुरुआत हमन करें, ताकि सस्ता में दवाई मिल सके। तो हमार प्रयास शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में लगातार छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाए के काम करा था, लेकिन दुर्भाग्यजनक बात है भारतीय जनता पार्टी संगवारी मने रेवड़ी के थे, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सरकार आप किसान के धान ले यदि 2500 रुपये हम खरीदा थे तो वो रेवड़ी है, मजदूर ल 7,000 रुपया सालाना देता तो रेवड़ी है, गरीब मल्ल 35 किलो चावल देता तो रेवड़ी है, बिजली बिल आधा देता 400 यूनिट तक के तो रेवड़ी है, लड़का मल्ल फोकट में पढ़ा था वो रेवड़ी है।
तो मैं पूछता हूं, हम तो यहां के किसान मन के ऋण माफी करें, बोला ते रेवड़ी कहा था, और 10 जन बड़े उद्योगपति के देश के 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर दे, वो रेवड़ी न हो, वो तो मिल्क केक है, मिल्क केक, रबड़ी है, रबड़ी, हमन हमार मार ते रेवड़ी है और ओकर मन के ते रबड़ी है। किसान बर गरीब बर दे बर ये मन रेवड़ी कहा थे, और बड़े उद्योगपति मन के 10 लाख करोड़ रुपया माफ करे है, वो रेवड़ी न हो, रबड़ी है। तो आज एकर मन के दृष्टिकोण समझे का आवश्यकता है, ये मन कहते ना 2023 में हम आबो करके, ये मन मुंगेरी लाल के सपना देखा थे, ये मन कभू नहीं आए, और धोखा उसका हूं आगे तो रमन सिंह 15 साल ले तुम्हारे ठगे है, चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस 2500 रुपया कभू नहीं मिला तुम्हारा, कभू बिजली बिल आधा नहीं मिले, कभू 35 किलो चाउर नहीं मिले, कभू ये गौठान गोबर ल गायक नाम से वोट मांग सकते, लेकिन गोबर से मन घृणा करते, गोबर हमन 2 रुपये किलो में खरीदा था, 4 रुपये लीटर में गौमूत्र खरीदा था, तेकर ये मन विरोध करते, ये जते गरीब के जेब में पैसा जाते, किसान के जेब में पैसा जाते, वो सब ले मन बंद करा, ये बात ला समझ लो, और वही पाए कि छत्तीसगढ़ में एक मन की दोबारा आए के कोई संभावना नहीं है। आज करीब 500 करोड़ से अधिक के राशि के भूमि पूजन और लोकार्पण हो है, विकास के काम पर कोई कमी नहीं आंदन, अभी हमारे दोनों विधायक मन बहुत अकन मांग करत रही से, आप निश्चिंत रहो, आपके यहां तहसील भी बनी, आपके यहां नगर पंचायत भी बनी, आपके यहां सड़क भी बनी, स्कूल भी बनी, बांध भी बनी, नहर भी बनी, जिला बन गए, अब धीरे धीरे सब बनी, ये बात ला आप लोग विश्वास दिलाते हुए आप सब बड़े संख्या में यहां उपस्थित हुए हो, तेकर बर आप सब ला सारंगढ़ बिलईगढ़ के सब संगवारी मल्ला, सियान मल्ला, दीदी बहनी मल्ला, नौजवान संगवारी मल्ला, सब जन ला दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम कर रहा था, आप सब ला बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस ऐतिहासिक स्वर्णिम और यादगार दिवस की स्मृतियां आप सभी के मानस पटल पर हमेशा जीवंत रहे, इसलिए हम आप सभी का स्मृति चिन्ह से सम्मान करेंगे। हम निवेदन करेंगे कलेक्टर एंड एसपी रायगढ़ से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। कलेक्टर रायगढ़, एसपी रायगढ़, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगे। हम निवेदन करते हैं कलेक्टर और एसपी बलौदा बाजार से कि माननीय प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी